सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिलेड स्ट्राइकर वर्सेस सिडनी थंडर्स के बीच, जो ये कल का बिग बैश लीग का मैच खेला जाएगा एडिलेड स्ट्राइकर वर्सेस सिडनी थंडर्स के बीच, सॉरी एडिलेड ओवल पे। तो इसकी हम जो है इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और प्लेयर वाइज जो है हम स्टैट्स चेक करेंगे और सारा कुछ जो है डेटा आपको प्रोवाइड करूंगा। और फाइनली मैं आपको ड्रीम इलेवन टीम भी जो है बना के दिखाऊंगा कि आप किस बेसिस पे ड्रीम इलेवन टीम फॉर्म कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो वेदर और पिच कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से उतना कुछ बारिश के चांसेस नहीं है। 17 to 20 डिग्री सेल्सियस का जो है टेम्परेचर रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से 40 ओवर का पूरा मैच हो जाएगा। यहाँ से अगर पिच कंडीशन की बात करूँ तो बैटिंग फ्रेंडली रहेगा। इनिशियली जो फर्स्ट बैटिंग करेगा उसको ज़्यादा जो है यहाँ से जीतने के चांसेस होंगे और जो चेस करेगा उसके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, बिकॉज पिच जो है वो स्लो होता जाएगा। तो मे बी स्पिनर्स जो है गेम में आ जाएंगे। तो आप ज़रूर जो है सेकेंड इनिंग्स में जो भी बॉलिंग करें उन स्पिनर्स को आप ज़रूर जो है अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं आपसे स्ट्राइकर की तरफ से टीम न्यूज़ की बात करूँ तो 13 मेंबर्स का स्क्वाड इनका अनाउंस हो चुका है। उसमें से जो है यहाँ से हैरी कॉनवे को जो है ऐड किया गया है और जो है लियाम ओकोनर को जो है बाहर कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करूँ तो राशिद खान आपके लिए बॉलिंग सेक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। अगर सेकेंड बॉलिंग करते हैं तो बहुत ही क्रूशियल हो जाएंगे आपके लिए। एज अ वाइस कैप्टनसी पिक भी आपके लिए बहुत ही अच्छे हो सकते हैं सेकेंड इनिंग्स अगर बॉलिंग करते हैं। फिलिप साल्ट का मैं यहाँ पे नाम इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ही अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं और पिछले मैच में बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए आ रहे हैं। तो उनका नाम यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूँ तो एलेक्स केरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे फिलिप साल्ट की जगह एलेक्स केरी का नाम भी लगा सकते हैं या तो जो है एक और नाम एलेक्स केरी का यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अगर एक्सपेक्टेड 11 की बात करूँ तो ओपन करेंगे फिलिप साल्ट और जैक विदरल्ड स्ट्राइकर की तरफ से और मैथ्यू शॉट वन डाउन बैटिंग करेंगे और उसके बाद इनके कैप्टन आएंगे एलेक्स केरी, उसके बाद जोनाथन वेल्स जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं और कैमरन वाइट जो कि नेचुरली एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है लेकिन अभी हाल फिलहाल जो टीम की रिक्वायरमेंट है तो डाउन द ऑर्डर बैटिंग कर रहे हैं एज ए लोअर मिडल ऑर्डर लेट हिटर ये बैटिंग कर रहे हैं तो वो उनको सूट नहीं कर रहा है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा ये ओपन या वन डाउन बैटिंग भी कर सकते हैं और अच्छे खासे रन भी बना सकते हैं। बहुत ही एक टेक्निकल बैट्समैन है लेकिन हाल फिलहाल जो है इनको मौका नहीं मिल रहा है टॉप ऑर्डर में। बहुत ही अच्छे जो है टॉप ऑर्डर का जो फॉर्म चल रहा है तो इसीलिए इनको डाउन द ऑर्डर ही जो है अभी बैटिंग कराया जा रहा है। उसके बाद कैमरन वैलेंटी आएंगे जो कि एक मीडियम पेस बॉलर हैं। उसके बाद राशिद खान आएंगे एक स्पिनर। उसके बाद जो है राशिद खान अच्छी खासी हिट भी लगा सकते हैं अगर प्रमोट होते हैं तो। पीटर सिडल आएंगे और उसके बाद वैसेगार और बिली स्टैनले होंगे इनके पेस अटैक। यहाँ से अगर मैं थंडर्स की तरफ से टीम न्यूज़ की बात करूँ तो इनका भी स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। लगभग इनके स्क्वाड में एक ही चेंज है जो कि ब्रेंडन डॉगेट को ऐड कर दिया गया है। यहाँ से अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करूँ तो कलम फर्ग्यूसन एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे जो कि अभी फिलहाल के लिए दो अच्छी खासी इनिंग खेल के आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी खासी मतलब आप फॉर्म में कह सकते हैं बहुत ही अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं। और उसके बाद मैं अगर नाम जो है यहाँ पे मेंशन करूँ तो उस्मान ख्वाजा होंगे जो कि आपको लेफ्ट हैंडर एक कंसिस्टेंटली जो है अपने सारे मैचेस में कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं। 20-30 का स्कोर कंसिस्टेंटली ये स्कोर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड 11 की बात करूँ तो कलम फर्ग्यूसन और उस्मान ख्वाजा जो है ओपन करेंगे और एलेक्स हेल्स जो है वन डाउन बैटिंग करेंगे। यहाँ से एलेक्स हेल्स उस्मान ख्वाजा के साथ ओपन कर सकते हैं और जो है कलम फर्ग्यूसन वन डाउन भी आ सकते हैं। तो ये तीनों पोजीशन में कोई भी खेल सकते हैं लेकिन उस्मान ख्वाजा आप कह सकते हैं कि ओपन करेंगे और कलम फर्ग्यूसन और एलेक्स हेल्स इनको असिस्ट करेंगे एज अ ओपनर। यहाँ से एलेक्स रॉस जो है फोर्थ नंबर पर बैटिंग करेंगे। उसके बाद इनके विकेट कीपर आएंगे मैथ्यू गिगकिस। उसके बाद जो है यहाँ से क्रिस मोरिस बैटिंग करने आएंगे एज अ लेट हिटर, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं। और उसके बाद है डेनियल सैम्स जो कि अच्छे खासे ये भी लंबे छक्के लगा सकते हैं। नेथन मैकेंड्री उसके बाद आएंगे। उसके बाद क्रिस ग्रीन, अर्जुन नायर और जोनाथन कुक। यहाँ से हेड टू हेड की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो ओवरऑल जो है 12 मैचेस खेले जा चुके हैं इन दोनों टीम्स के बीच। स्ट्राइकर की तरफ से स्ट्राइकर ने जो है 6 मैचेस जीते हैं और थंडर्स ने जो है 4 मैचेस जीते हैं। स्पेसिफिकली इस ग्राउंड की अगर बात करूँ तो एडिलेड ओवल पे 4 मैचेस खेले गए इन दोनों टीम्स के बीच। इसमें से जो 2 मैचेस जो है यहाँ से स्ट्राइकर्स ने जीते हैं और एक मैच जो है थंडर्स ने जीता है और एक जो है बारिश के कारण रद्द हो गया था। उससे रिसेंट में जो इनका मैच हुआ था जो कैनबरा में हुआ 21 दिसंबर को, उसमें एडिलेड स्ट्राइकर ने बैटिंग करते हुए फर्स्ट इनिंग में 161 पोस्ट किया बोर्ड पे। वेदरल्ड के 42, एलेक्स केरी के 45 और जोनो वेल्स के 55 कुछ हाईलाइटेड परफॉर्मेंस थे। अगर यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से बात करूँ थंडर्स की तरफ से तो डैनियल सैम्स के 2 विकेट, जोनो कुक के 1 विकेट और क्रिस मोरिस का 2 विकेट था। थंडर्स ने जो है इसको चेस करते हुए सिर्फ 40 रन बनाए जो कि बारिश के कारण जो है इस मैच को जो है बैन करार दिया गया। तो यहाँ से बैटिंग करते हुए कलम फर्ग्यूसन के 27 रन बने थे जो कि नॉट आउट रहे थे
बेसिकली उसके बाद यहाँ से अगर मैं बॉलिंग सेक्शन से बात करूँ तो बिली स्टेनलेक का एक विकेट था जो फर्स्ट ओवर में बहुत ही अच्छी खासी टाइट बॉलिंग करा रहे थे, तो एक ही विकेट इनका था। यहाँ से अगर मैं लास्ट सीजन की बात करूँ तो 13 जनवरी को एक मैच हुआ था सिडनी में, जो कि सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम में हुआ था। सिडनी थंडर्स ने इसमें फर्स्ट बैटिंग करते हुए फर्स्ट इनिंग में 168 का जो है स्कोर पोस्ट किया बोर्ड पे, शेन वाटसन के 68 जो कि हाल फिलहाल अभी स्क्वाड में नहीं है, और एंटन डेविस जो कि वो भी स्क्वाड में नहीं है। लगभग यहाँ से आप कोई भी नाम जो है निकाल नहीं सकते जो है अभी फ़िलहाल के लिए स्क्वाड में अवेलेबल हो, तो लगभग कोई भी नाम आप यहाँ से नहीं निकाल सकते। जेसन संगा और यहाँ से अर्जुन नायर, तो अर्जुन नायर और डैनियल सैम्स ये दो नाम जो है निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। यहाँ से अगर मैं स्ट्राइकर की तरफ से बॉलिंग सेक्शन से बात करूँ तो स्टेनलेक के 2 विकेट, राशिद खान के 2 विकेट थे। यहाँ से एडलेट स्ट्राइकर ने इसको चेस करते हुए जो है सिर्फ 97 बना पाए और जो है ये ऑल आउट हो गए थे। तो यहाँ से कोलिन इंग्रम के 48 यही एक स्पेसिफिक परफॉर्मर थे जो कि अभी फ़िलहाल के लिए स्क्वाड में नहीं है। यहाँ से अगर मैं बॉलिंग सेक्शन से बात करूँ थंडर्स की तरफ से, तो फवाद अहमद के 1 विकेट, जॉर्डन का 1 विकेट, सैम्स का 1 विकेट, संधू का 1 विकेट, ग्रीन का 1 विकेट और डेवसिच का 1 विकेट, और जो है अर्जुन नायर के 3 विकेट थे। यहाँ से अगर मैं उससे पहले वाले मैच की बात करूँ तो 31 दिसंबर 2018 को पिछले सीज़न एडिलेड पे ये खेला गया था, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए जो आज का मैच है एडिलेड ओवल पे, तो यहीं पे खेला गया था। एडिलेड स्ट्राइकर ने फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए 175 पोस्ट किया बोर्ड पे, एलेक्स केरी के 59 और कोलिन इंग्रम के 75, तो ये कुछ दो परफॉर्मर थे जो कि हाईलाइट थे। और यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से बात करूँ तो थंडर की तरफ से जोनो कुक का 1 विकेट, फवाद अहमद का 1 विकेट और डैनियल सैम्स के 2 विकेट थे। सिडनी थंडर्स ने इसको चेस करते हुए 155 पोस्ट किया बोर्ड पे, यहाँ से कोई ज़्यादा परफॉर्मर नहीं है। कलम फर्ग्यूसन का 47 रन है और डेनियल सैम्स के जो है 15 रन है नीचे से बैटिंग करते हुए। यहाँ से अगर मैं स्ट्राइकर की तरफ से बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो पीटर सिडल के 3 विकेट और राशिद खान के 2 विकेट थे। अभी ये जो है हेड टू हेड प्लेयर एनालिसिस है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये आपके लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का चॉइस भी जो है क्रिएट करके देगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ एलेक्स केरी से, जो कि आपको रीसेंट में अच्छे खासे फॉर्म में लग रहे हैं, आपको आप देखे भी होंगे। और इनके एवरेज की बात करूँ तो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए लगभग 34 का एवरेज है और सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हुए 32 का एवरेज है। अगर मैं इनके थंडर्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 5 मैचेस में 45 का एवरेज है, लगभग आप कह सकते हैं 46 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर इनके 13 मैचेस में 38 का एवरेज है। तो आपके लिए एक कैप्टनसी के बहुत ही अच्छे प्लेयर बन जाते हैं एलेक्स केरी। यहाँ से अगर मैं कलम फर्ग्यूसन की बात करूँ तो कलम फर्ग्यूसन के जो है यहाँ से आप रीसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, और फर्स्ट बैटिंग करते हुए 27 का एवरेज है और सेकंड बैटिंग करते हुए लगभग 26 का एवरेज है। और यहाँ से स्ट्राइकर के अगेंस्ट इनकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 5 मैचेस में लगभग जो है 23 का एवरेज है, और यहाँ से 19 मैचेस में इस ग्राउंड पर इनके लगभग 23 का एवरेज है। यहाँ से अगर मैं एलेक्स हेल्स की बात करूँ तो एलेक्स हेल्स के जो रीसेंट परफॉर्मेंस आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और यहाँ से इनके फर्स्ट इनिंग के एवरेज की बात करूँ तो 23 का एवरेज है, और सेकंड इनिंग पे बैटिंग करते हुए ये इनका अच्छा खासा एवरेज होता है 35 का। अगर चेस करते हुए आपको थंडर्स मिलती है तो एलेक्स हेल्स को एज ए वाइस कैप्टन या कैप्टन अपनी टीम में ज़रूर ट्राई करें ग्रैंड लीग्स में, ये आपके लिए कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी के बहुत ही अच्छी पिक हो सकते हैं अगर चेस करते हैं तो। स्ट्राइकर के अगेंस्ट इनकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कुछ खास नहीं है, एक ही मैच खेला है उसमें सिर्फ 16 रन बने थे, तो कुछ खास नहीं है। इस ग्राउंड पर अगर मैं इनके परफॉर्मेंस की बात करूं तो 5 मैचेस में लगभग 20 का एवरेज है, आप मान सकते हैं 21 का एवरेज है, तो बहुत ही कम एवरेज है एज ए ओपनर या टॉप ऑर्डर बैट्समैन, बहुत ही कम एवरेज इसको मैं मानूंगा। सिर्फ आप ग्रैंड लीग्स में इनको वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं अगर ये चेस करते हुए आपको मिलते हैं तो। अगर उस्मान ख्वाजा की मैं अगर नेक्स्ट बात करूँ तो बैटिंग करते हुए इनका फर्स्ट बैटिंग करते हुए एवरेज जो है लगभग 33 का है, और सेकंड बैटिंग करते हुए लगभग जो है 30 का एवरेज है। अगर स्ट्राइकर के अगेंस्ट इनकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 3 मैचेस में 59 का एवरेज है, लगभग 60 का एवरेज है 119 रन के साथ, और इस ग्राउंड पे सिर्फ एक ही मैच खेला था उसमें भी नॉट आउट रहे थे, 104 का जो है इनका जो है 104 इन्होंने बनाया था उस मैच में। तो ये भी आपके लिए एज अ वाइस कैप्टन या कैप्टन आपके लिए बहुत ही अच्छे पिक रहेंगे। दोनों इनिंग्स में जो है लगभग सेम एवरेज है, और स्पेसिफिकली स्ट्राइकर के अगेंस्ट भी अच्छा परफॉर्मेंस है, और यहाँ से ग्राउंड पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो आप इनको एज अ वाइस कैप्टन या कैप्टन स्मॉल लीग्स में भी ट्राई कर सकते हैं। एलेक्स रॉस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से फर्स्ट बैटिंग करते हुए लगभग 30 का एवरेज है, और सेकंड बैटिंग करते हुए घट के 22 या 23 का हो जाता है। अगर मैं स्ट्राइकर के अगेंस्ट इनकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो लगभग 4 मैचेस में 45 का एवरेज है, और यहाँ से इस ग्राउंड पर इनका 13 मैचेस में 31 एवरेज है लगभग, या 30 का एवरेज मान के चल सकते हैं। तो ये भी आपके लिए जो है ग्रैंड लीग्स में बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं अगर फर्स्ट बैटिंग करते हुए आपको थंडर्स मिलते हैं तो।
यहाँ से अगर जेक वेदरल्ड की मैं बात करूँ तो रिसेंट परफॉर्मेंस ये रहा इनका, और यहाँ से फर्स्ट बैटिंग करते हुए इनका जो है एवरेज लगभग 20-30 का है, और सेकंड बैटिंग करते हुए घट के जो है 20 का हो जाता है। तो आपके लिए फर्स्ट बैटिंग करते हुए अगर स्ट्राइकर मिलती है तो जेक वेदरल्ड आपके लिए एज अ वाइस कैप्टनसी पिक भी अच्छे खासे हो सकते हैं। लेकिन इनसे भी बेटर प्लेयर हैं तो आप ज़रूर जो उनके साथ भी जा सकते हैं, जैसे कि उस्मान ख्वाजा हो गए, तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं। अगर फर्स्ट बैटिंग करती है स्ट्राइकर तो आप ज़रूर जो है दूसरी टीम से भी अपना वाइस कैप्टन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर इनके थंडर्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 5 मैचेस में 16 का एवरेज है, तो बहुत ही कम एवरेज है एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन। और इस ग्राउंड पे अच्छा खासा एवरेज है इनका, 32 का एवरेज है 18 मैचेस में। तो ये आपके लिए इस ग्राउंड के बेसिस पे अगर देखा जाए तो आपके लिए अच्छी पिक है एज अ वाइस कैप्टन स्मॉल लीग्स में। लेकिन थंडर्स के अगेंस्ट इनके परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आपके लिए उतने खास पिक ये होने वाले नहीं है। तो यहाँ से जोनो वेल्स की मैं बात करूँ तो जोनो वेल्स के जो है यहाँ से फर्स्ट बैटिंग करते हुए 34 का एवरेज है लगभग, और सेकंड बैटिंग करते हुए 31 का एवरेज है, तो लगभग सेम एवरेज है। और थंडर्स के अगेंस्ट स्पेसिफिकली इनके परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 10 मैचेस में 25 का एवरेज है इनका, और यहाँ से इस ग्राउंड पे इनके परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 18 मैचेस में कुछ लगभग 43 का एवरेज है। तो ये भी आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं, और रीसेंट में भी परफॉर्मेंस इनका बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो आप एज अ वाइस कैप्टन या कैप्टन अपनी टीम में ज़रूर ट्राई करना इनको स्मॉल लीग्स में, या मीडियम साइज़ की लीग में रेकमेंड करूँगा कि आप इनको ज़रूर जो है एज अ वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, या कैप्टन भी ट्राई करिए। राशिद खान और पीटर सिडल, क्रिस मॉरिस, डेनियल सैम्स और बिली स्टेनले, कि आपके लिए कुछ बॉलिंग से आपको इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। मैं इनके स्टैट्स यहाँ पर मैंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने चेक करे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। एक और नाम है आप यहाँ से जुड़ सकते हैं जो कि है अर्जुन नायर, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर यहाँ से सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो। तो चलिए मैं आपको ड्रीम इलेवन टीम पे ले चलता हूँ, वहीं पे आपको सारा कुछ जो है एक्सप्लेन कर दूंगा स्ट्रैटेजी। तो लगभग ये मेरी टीम 1 रहने वाली है फिलहाल अभी के लिए, तो टॉस से पहले प्री टॉस टीम है ये। तो कैप्टन मैंने यहाँ पे एलेक्स केरी को बनाया, और वाइस कैप्टन मैं यहाँ पे क्रिस मॉरिस के साथ जा रहा हूँ। डेनियल सैम्स और यहाँ से मेरे ऑलराउंडर एक और ऑलराउंडर रहेंगे कलम फर्ग्यूसन, उस्मान ख्वाजा, जोनो वेल्स और जेक वेदरल्ड को मैंने यहाँ पे बैटिंग सेक्शन से पिक किया है। मैंने यहाँ पे एक बड़ा रिस्क लिया है जो कि है मैंने एलेक्स हेल्स को ड्रॉप किया है। तो यहाँ से आपको मैं ऑप्शन दे दूंगा, आप यहाँ से राशिद खान के जगह जो है यहाँ से एलेक्स हेल्स को ले सकते हैं। ये भी आपके लिए चेंज आप अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं। वाइस कैप्टनसी आप उस्मान ख्वाजा को दे सकते हैं, या तो जो है जोनो वेल्स को भी दे सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। पीटर सिडल, वेसेगार और अर्जुन नायर मेरी टीम में रहेंगे। पीटर सिडल मेरे स्ट्राइक बॉलर रहेंगे इस टीम के, और वेसेगार भी स्ट्राइक बॉलर रहेंगे। अर्जुन नायर जो है असिस्ट करेंगे इन दोनों को, तो क्रेडिट भी मेंटेन हो रहे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अर्जुन नायर को ऐड कर रहा हूँ। अगर सेकंड बॉलिंग करती है थंडर्स तो ये मेरे लिए अच्छी पिक हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे टीम 2 की बात करूँ तो टीम 2 में मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया है, जोनो वेल्स को कैप्टन और उस्मान ख्वाजा को वाइस कैप्टन किया है। एलेक्स रॉस को मैंने ऐड किया है और कलम फर्ग्यूसन को ड्रॉप किया, और यहाँ से मैंने एलेक्स हेल्स को इस टीम में ऐड कर लिया है। और मेरे जोनो सॉरी वेदरल्ड और एलेक्स केरी रिटेन रहेंगे टीम 1 से, और ऑलराउंडर्स भी रिटेन रहेंगे, और पीटर सिडल बॉलिंग सेक्शन से रिटेन रहेंगे, और वेसेगार भी रिटेन रहेंगे। सिर्फ एक चेंज है जो कि जोनो कुक को मैंने यहाँ पे ऐड किया है राशिद खान, और जो यहाँ से मैंने ड्रॉप किया है अर्जुन नायर को। तो टीम 1 से मैंने यहाँ पे जोनो कुक को इस टीम में एज अ पंट प्लेयर अपनी टीम में ऐड किया हुआ है। अगर यहाँ से क्रिस ट्रीमैन खेलते हैं तो क्रिस ट्रीमैन मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस रहेंगे जोनो कुक के ऊपर भी। तो ये कुछ टीम 2 था। अभी अगर मैं टीम 3 की बात करूं तो ये लगभग अभी तक जो जनता बना के चल रही है वो टीम है। इसमें से मैं आपको अगर चेंज बता दूं तो चेंजेस आप क्या कुछ कर सकते हैं अपनी टीम में, ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहां से आप एक चेंज कर सकते हैं जो कि आप यहां से अर्जुन नायर की जगह पीटर सिडल को ऐड कर सकते हैं अपनी टीम में, या आप ज़रूर जो यहाँ से जोनो कुक को ऐड कर सकते हैं। ये दोनों चेंजेस आप कर सकते हैं, या आप वेसेगार की जगह भी जो है पीटर सिडल को ऐड कर सकते हैं। ये भी आप चेंज करते हुए अपनी टीम को जो है अलग थलग बना सकते हैं दूसरों से, या आप जो है बैटिंग सेक्शन से अगर चेंज करना चाहते हैं तो फिलिप साल्ट की जगह आप एलेक्स रॉस को ले लें, जो कि हेड टू हेड परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छे मेरे को लगे, तो आप ये चेंज भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी अपनी टीम को अलग बना सकते हैं दूसरों से। आपकी कोर टीम सेम रहेगी, अपोनेंट के हिसाब से एक आध चेंज भी आप ज़रूर जो है बाजी मार सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो ये प्रीव्यू कंक्लूड होता है, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के चॉइस जो भी आपको मैंने हेड टू हेड रिकॉर्ड्स दिखाए उसी के बेसिस पे आपको पिक करना है।
तो यहाँ पे मेरा ये प्रीव्यू कंक्लूड होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर जो है लाइक करते हुए जाए, और अगर चैनल का कंटेंट पसंद आया तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब करते हुए जाए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहीं पर आपको जो है फाइनल अपडेटेड टीम वहीं पर मिलेगी, और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ग्रैंड लीग्स के टिप्स और सब कुछ जो है वहीं पर आपको अपडेट मिलेगा। तो ज़रूर जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।